आजादी से पहले भारत के राजवाड़ों, राजाओं और महाराजाओं के किस्से वाकई गजब गजब के थे। उसी तरह हैरान करने वाली थी उनकी सनक भी। वो कभी कभी ऐसे काम कर डालते थे कि कोई भी चकित हो सकता था। ऐसा ही एक काम महाराजा कपूरथला ने किया था। वो अपनी सबसे सुंदर रानी को विदेश एक पुरुष बनाकर ले गए। इसकी एक बड़ी वजह थी। हालांकि बाद में जब यह बात लोगों को पता चली तो हर कोई महाराजा की इस चालाकी से चकित रह गया। वैसे महाराजा ने यह काम इसलिए किया था क्योंकि इसकी एक वजह थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो रानी को विदेश क्या देश से बाहर भी नहीं ले जा पाते। इस बारे में कई रजवाड़ों में दीवान की भूमिका निभाने वाले जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इसका रोचक जिक्र किया है। ब्रिटिश राज में वाय सराय सबसे आला अधिकारी होता था। यहाँ तक कि राजाओं और महाराजाओं को भी उसकी बात माननी पड़ती थी। उस समय लॉर्ड कर्जन वाय सराय थे। उन्होंने देश के राजा महाराजाओं के विदेश जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। हालांकि इसके बाद भी राजा बाहर जाया करते थे। उसके लिए उन्हें वाय सराय से अनुमति लेनी होती थी। महाराजा कपूरथला जगजीत सिंह अपनी शानो शौकत के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने लॉर्ड कर्जन से विदेश जाने की इजाजत मांगी तो उन्हें इस शर्त पर मिली कि वो अपने साथ कुछ सहायक लेकर यूरोप जा सकते हैं, लेकिन किसी महारानी को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। महाराजा इस आदेश पर बहुत परेशान हुए क्योंकि उन्होंने यूरोप यात्रा में अपनी खूबसूरत रानी कनारी को भी साथ ले जाने की योजना बनाई थी। महाराजा अब क्या करे और क्या नहीं। खैर, उन्होंने इसके लिए एक तरकीब निकाली जो कुछ रिस्की भी थी। उस समय आज की तरह विदेश यात्रा जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। राज्य के दीवान ने राजा को रानी को मर्दाना वेश बनाकर यूरोप ले जाने की युक्ति बताई। पहले तो महाराजा को ये अजीब जरूर लगा, लेकिन वो तैयार हो गए। रानी को पुरुषों का कपड़ा पहनाया गया। वजह यह भी थी कि रानी कनारी न केवल खूबसूरत थी बल्कि राजा भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसे यूरोप की सैर कराना चाहते थे। रानी को मर्दाना वेश धरने के लिए पुरुषों के अचकन पैजामे और पगड़ी पहनाई गई। नकली दाढ़ी चिपकाकर पूरी तरह से पक्का कर लिया गया कि रानी एक सिख नजर आए। जिस दिन महाराजा को देश से विदेश जाना था उस दिन महाराजा और उनके सहायकों के साथ रानी सिख पुरुष का वेश धारण किए हुए थी। किसी को शक ही नहीं हुआ और रानी आराम से विदेश पहुंच गई। यूरोप प्रवास में रानी अपने वास्तविक वेश में आ गई। महाराजा और रानी कई महीनों तक यूरोप में बिताए। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं हो पाई। वापसी में उनका जहाज बंबई में उतरा तो वहाँ गवर्नर के सैनिक सचिव और वायसराय की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में पुरुष वेशधारी रानी कनारी को कोई पहचान नहीं पाया। इससे पता तो ये चल ही जाता है कि तब महाराजा लोग अपनी सनक पूरी करने के लिए किस तरह अंग्रेज शासन के आंखों में धूल झोंका करते थे।